या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में प्रकृति रूप में विद्यमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम नमः चंडिकाय नमः श्री दुर्गा देवे नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पारवा अध्याय। 11वें अध्याय में हमने देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और देवी का देवताओं को वरदान देने की कथा के विषय में सुना था। 12वें अध्याय में देवी के चरित्रों के पाठ का महत्तम सुनेंगे। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूंगी। मधु कैटव के वध, महिषासुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे और मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको प्रियजनों का विचोह भी नहीं होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा ही पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को, 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर एवं मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर करे या बिना जाने करे उसे मैं तुरंत ही ग्रहण कर लेती हूँ। तथा शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाते हैं और धन धान्य पुत्र आदि से संपन्न हो जाते हैं। मेरे इस महात्म और कथाओं आदि को सुनने वाला मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है तथा महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित होता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना और घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराके, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके तथा प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी ही प्रसन्न इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। मेरा यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है और युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसे सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ, शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर तथा शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड प्राक्रम वाली भगवती चंडिका यों कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई तथा संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे
उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ तथा निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महाकाली और महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्यों के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है। अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन और पुत्र देती है तथा धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः चंडिकाय नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः।